हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है मेहुल पटेल और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको एक जीएसटी कैलकुलेशन में जो सेल्स इनवॉइस में जीएसटी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आता है तो उसका मैं आपको एक सॉल्यूशन बताऊंगा। मैंने रिसेंटली मेरे कस्टमर के पीछे में प्रॉब्लम देखा था कि उनका जो जीएसटी कैलकुलेशन होना चाहिए उसमें सी जीएसटी तो कैलकुलेट बराबर हो रहा था, बट एस जीएसटी जो कैलकुलेट होना चाहिए वो रॉन्ग आ रहा था। और आप यहाँ पे देख रहे हो, ये पर्टिकुलर मैंने इसी टाइप का एक एंट्री किया है जिसमें सी जीएसटी आप देख रहे हो उसका जीएसटी अमाउंट अलग है और एस जीएसटी का अमाउंट अलग है। तो इसका रीज़न क्या था और इसको मैंने किस तरीके से सोल्व किया वो चीज़ मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे टैक्स एनालिसिस में और डिटेल में जाके चेक करोगे तो यहाँ पे एक जो आइटम है उसमें सिर्फ सी जी एस टी अमाउंट 9% का अमाउंट यहाँ पे आ रहा है और दूसरी जो आइटम है उसमें 99% सी जी एस टी एस जी एस टी दोनों आ रहा है। तो उसमें एक ही आइटम ऐसी है जिसमें एस जी एस टी कैलकुलेट नहीं हो रहा था। तो इसका सोल्यूशन मैंने क्या किया वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो ये जो आइटम है जिसमें जी एस टी कैलकुलेशन रॉन्ग आ रहा था तो उसको मैंने अल्टर किया, जी एस टी एप्लीकेबल में यस किया और यहाँ पे अगर जाके चेक किया तो यहाँ पे आप देखोगे टैक्स टाइप में तो वहाँ यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स में 18% था, सेंट्रल टैक्स में 9% था, बट स्टेट टैक्स में 0% था। इसके वजह से वो जी एस टी कैलकुलेट नहीं कर रहा था। अगर आपको ये दोनों का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा तो अगर आप यहाँ पे एपीएल में जाके यस करोगे तो आपको सी जी एस टी एस जी एस टी भी यहाँ पे दिखाई देगा। इसको मैंने अल्टर कैसे किया, अल्टर आपको डायरेक्ट यहाँ से नहीं करना है, यहाँ पे आपको अल्टर करने के लिए टैक्स रेट हिस्ट्री में जाना है और लास्ट जो ऑप्शन है उसको यस करके यहाँ पे 9 जो भी स्टेट टैक्स है उसको सेट कर देना है। और अभी अगर आप चेक करोगे तो दोनों का कैलकुलेशन सही हो जाएगा, आप अभी देख पा रहे हो कि दोनों का कैलकुलेशन सही था। तो अभी रिसेंटली मैंने ये मेरे कस्टमर के टेली में ये प्रॉब्लम देखा तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाओ कि अगर आपको भी इस टाइप का प्रॉब्लम है तो आपको पता चले कि आपको इसको किस तरीके से सोल्व करना है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरीके वीडियो बनाते रहता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई टिप्स और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।